मिर्ची फ्राई की रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है, 5 से 6 हरी मिर्च ली है। अगर कोई ख़राब हरी मिर्च है तो उसे काट कर अलग कर दीजिए। इन हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से धोकर किचन टावल से पोंछ लिया था। अब मैंने गैस ऑन करके तवा रखा और तवे पे 1 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद इन हरी मिर्चों को इसमें डाल देंगे और चम्मच की सहायता से इन्हें उलट पुलट करते रहेंगे। इन हरी मिर्चों को थोड़ा ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इन हरी मिर्चों को इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। हरी मिर्चें थोड़ी सी सिक चुकी हैं पर हम इनको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। इसमें ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता है, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में 5 से 6 हरी मिर्चों को आसानी से फ्राई किया जा सकता है। तो लगातार इन हरी मिर्चों को इसी तरीके से चलाते रहें और हरी मिर्चें फटें नहीं इस बात का भी ध्यान रखें। जब भी आप खाना बनाएं तो इन हरी मिर्चों को बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पर हरी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इन हरी मिर्चों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सभी हरी मिर्चों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इन हरी मिर्चों पर आप स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक छिड़क लीजिए। तो मिर्ची फ्राई रेसिपी रेडी है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।